इस दिशा में लगातार पूरे संभाग में उज्जैन में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी तारक्रम में कुछ दिनों पहले, दो तीन दिन पहले, हम लोगों के संज्ञान में बात आई थी कि यहाँ पे जो 19 ड्रीम्स कॉलोनी नील गंगा की और मुसद्दीपुरा एरिया खारा कुआं के वहाँ रहने वाले पीयूष चोपड़ा होते हैं, ये अपने एक संगठित उसके साथ गिरोह के साथ बड़े स्तर पर ये जो है ट्रेटिंग वो कर रहे हैं, खासतौर से गेम्स के लिए। सत्ता संगठित अपराध के बहुत ही प्रभावी कार्रवाई के लिए इस दिशा में लगातार पूरे संभाग में उज्जैन में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी तारक्रम में कुछ दिनों पहले, दो तीन दिन पहले, हम लोगों के संज्ञान में बात आई थी कि यहाँ पे जो 19 ड्रीम्स कॉलोनी नील गंगा की और मुसद्दीपुरा एरिया खारा कुआं के वहाँ रहने वाले पीयूष चोपड़ा होते हैं, ये अपने एक संगठित उसके साथ गिरोह के साथ बड़े स्तर पर ये जो है ट्रेटिंग वो कर रहे हैं, खासतौर से गेम्स के लिए। अभी जैसा आपको उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और कल जो बांग्लादेश वगैरह का जो मैच था, और इसके साथ साथ ये अदरवाइज भी दूसरे गेम्स को भी ये बेटिंग देते हैं। और ये इंटरनेशनल लंडन एक्सचेंज 9.com करके जो वेबसाइट है और अन्य वेबसाइट्स पे ये जूम के ऑडियो कॉल के माध्यम से बेट प्लेस कराते हैं और फिर उसको आगे ये डील करते हैं। इसमें जब पूरी चीज़ों को हमारी टीम, जिसमें कि श्री जयंत राठौर जो एडिशन की हैं, गुरु प्रसाद पारासर जो एडिशन की साहब हैं, यहाँ के SP साहब और हमारी पूरी टीम ने इसको दो तीन दिनों में पूरा रेडी करके डेवलप किया और कल देर रात से इस दबिश की कार्रवाई को किया। इसमें हम लोगों ने 9 व्यक्तियों को पकड़ा जो मूलतः लुधियाना, निम्बाहरा और नीमच के रहने वाले जो कार्य कर रहे थे। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, आईपैड मिनी जो आप देख ही रहे हैं, और 14,58,00,000 रुपये भारतीय मुद्रा के, और साथ साथ 7 देशों की करेंसी जिसमें कि दिरहम, डॉलर, पाउंड, लातविया देश की करेंसी, ये सारी करेंसी की जिनका खुद का वैल्यूएशन जो लाखों रुपए में होगा, ये बरामद किया गया।